जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील क्षेत्र के बांसी कस्बे के 70वां माघ मेले का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि आयोजन के पूर्व जिले के जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद का उप जिलाधिकारी प्रदोम कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान थाना प्रभारी अनुज सिंह, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित और मेला प्रशासक ईओ नगर पालिका बांसी मौजूद रहे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा मेले का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेला परिसर में स्वर्गीय पंडित राजेंद्रनाथ त्रिपाठी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आपको बताते चले कि ये मेला हर वर्ष की भांति लगता है, जहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगती हैं। झूला, सर्कस, मौत का कुआं, जादू का खेल आदि मेले के आकर्षण का केंद्र होते हैं। सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, नवभारत समाचार से अमर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम लोग के द्वारा आज किया गया है, आज से लगभग एक महीने तक ये मेला चलेगा। इस मेले में सभी लोगों को योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया है। बहुत सारी दुकानें लगी है, सर्कस, झूला इत्यादि सभी लगा हुआ है। आसपास के जितने भी हमारे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उससे लोग आएंगे और लोग आकर मेले का आनंद लेंगे और अपनी जरूरत का सामान भी यहां से खरीद कर लेके जाएंगे। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था है, जनता से क्या अपील है? प्रशासन के द्वारा समुचित ढंग से सभी चीज की व्यवस्था की गई है। यहाँ जितने अग्निशमन, सुरक्षा इत्यादि तमाम चीजें हैं और तमाम सफाई वफाई की व्यवस्था सभी की गई है। जनता से केवल यही अपील है कि वो मेले में आए, मेले का आनंद लें और सुरक्षित ढंग से रहें। हाँ सर, आज बांसी माघ मेले का उद्घाटन किया गया है, यहाँ शांति व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था की गई है? ये बांसी माघ मेले का उद्घाटन आज किया गया है, ये लगभग एक महीना ये मेला चलेगा। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है, साथ ही यहाँ पे UP 112 और फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी रहेंगी और साथ ही यहाँ पे एंटी रोमियो टीम्स भी लगाई गई है। और किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो मेले में लोग आए हुए हैं, किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। जनता से क्या अपील है सर? जनता से अपील है कि ये जो माघ मेला लगभग एक महीने तक चलेगा, इसमें आप आइए हर्षोल्लास के साथ, यहाँ पे मेले का आनंद लीजिए, साथ ही सुरक्षा सुरक्षित भी रहिए और आने जाने के समय जो भी आप यातायात का साधन यूज़ करते हो उसमें ज़रूर हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करिए। यहाँ पे भी आए मेले में तो ध्यान रखिए कि जो फायर से रिलेटेड या अन्य जो सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए जाते हैं लगातार, उसका ध्यान दिए और जो पुलिस की अनाउंसमेंट्स होती है उसका पालन।